बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 17.2 की जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस वो करने वाले हैं, ठीक है। और 17.2 का जो क्वेश्चन है वो आपको अब स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि एक्सरसाइज 17.2 तो मैंने अब करवाई है, इसके अलावा इसके आगे जितने भी चैप्टर्स थे मैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सही है, तो वो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 17.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं कि इफ यू एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ जेड और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपको पहले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और पहला पार्ट आपका क्या है, अगर मैं पहला पार्ट यहाँ पर लिख दूँ जो आपको सॉल्व करना है, पहले तो मैं लिख देती हूँ पहला पार्ट, तो वो है पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू डैश। मतलब कि ये है कि आपके दोनों साइड के आंसर ना सेम आने, कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से प्रूव करें कि दोनों साइड बराबर है। शो डैट का मतलब तो यही होता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म से जो है आप इसको टेबुलर फॉर्म में लाए। अच्छा, पहला सेट यू है और यू कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि जेड जेड होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस से, वैसे आपको साइंस शो हो रहा होगा कि -4 से छोटा है। देखिए, अगर कोई चीज इस तरह लिखी हुई है कि -4 से एक्स जो नंबर आपने लिखने हैं ना, उसका मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, कि आपको जो एक्स नंबर आपके जो भी आपको सेट में लिखने हैं वो -4 से बड़े होने चाहिए। तो -4 से -3 बड़ा होगा, क्योंकि छोटा नंबर नेगेटिव में ना बड़ा होता है, और 6 से छोटा होना चाहिए, तो 5 तक लेके जाना है आपको। तो ये इस तरह होगा कि -3, -2, -1, 0 और फिर 5 तक आपको लेके जाना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब अगर हम दूसरे सेट को देखें जिसमें कह रहे हैं इवन नंबर्स हैं पर वो -4 से लेस देन 6 है। अच्छा, आप इवन नंबर्स लिख रहे हैं ना, जो सेट का नाम है पी, और उसमें पी कह रहे हैं कि इवन नंबर्स हैं और लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 4, लेकिन -4 के बाद आप -3 तो नहीं लिख सकते आप, तो -3 इवन नंबर होने की वजह से नहीं लिख सके, लेकिन -2 लिख सकते हैं। इस तरह -1 आप नहीं लिख सकते, 0 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं। मतलब हमने 1, 3 नहीं लिखा, सही, और 5 नहीं लिखा, और 6 से लेस देन लिखनी थी, तो ये हमारा सेट जो है मुकम्मल हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो क्यू है। अब क्यू को देख लेते हैं, तो क्यू हमारे पास क्या है कि जो ये नंबर है प्राइम नंबर्स हैं और लेस देन 6, मतलब ऐसे नंबर लिखने हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 6 से छोटे भी हों। तो पहला तो 2 ही हो गया जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, फिर तो इसके बाद 3 हो गया, और 4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है। हाँ, फिर 5 हो गया, और 6 तो लिखना ही नहीं है, और वैसे भी 6 से छोटे लिखने हैं आपको, तो आपने 6 से छोटे जो है वो नंबर्स लिख लिए। अच्छा, भले क्यू बोले, पी बोले, कुछ भी बोले, एक्स बोले, बात एक ही होती है, आपको मेंबर्स बनाने होते हैं सेट पर टेबलर फॉर्म में। वैसे तो वीडियो अपलोडेड है 17.1 प्लेलिस्ट में, आपको आसानी से मिल जाएगी, अदरवाइज चैनल पर तो बहुत पहले अपलोड कर दी थी मैंने, ठीक है। अब चलिए ये पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यूज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड, राइट है ना, हाँ राइट हैंड साइड, ठीक है। चेकिंग राइट है कि लेफ्ट, लेफ्ट, अच्छा मेरे पास तो ये लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट अभी चूज कर रही हूँ, ठीक है। चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लिया है, ठीक है, ओके। लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैं ऐसे ही कर दी, थोड़ी पता है। अच्छा, सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड है तो आपके पास पी माइनस क्यू है, आपने अच्छे से पी माइनस क्यू लिखा। अब पी का जो आपका सेट था ये था -2, 0 और 2 और 4, तो आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, देखा आपने, मैंने कॉपी कर लिया। अब माइनस करना है इसमें क्यू, तो मतलब 2, 3 और 5, ये हमने इसमें माइनस करना है। तो अगर आप गौर करें इसमें तो बस 2 कैंसिल हो रहा है, और माइनस करने का तरीका तो हम प्रीवियस वीडियो में और सीख चुके हैं कि बस फर्स्ट सेट की वैल्यूज लिखते हैं, तो जल्दी से लिख लेते हैं -2, 0 और 4, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर आ गया। अब क्या रिमेनिंग रहा, अब रिमेनिंग रहा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हम एक काम ये करते हैं जो कि मैं करूँगी भी यकीन, और क्यों नहीं करूँगी, इस तरह सही रहेगा। अभी राइट हैंड साइड के लिए
पहले तो हेडिंग डालते हो टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया है, लेकिन अब आप लोग गौर करें कि क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। पहले पी इंटरसेक्शन करना है लेकिन क्यू कॉम्प्लीमेंट से, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट तो हमारे पास कोई नहीं है, तो हमें क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट पहले मालूम करना पड़ेगा। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट कुछ इस तरह आएगा कि आपको पता है, सीख चुके हैं अब तो, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, कि यू में से जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसी को कर लेते हैं माइनस। तो हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखा और यू का सेट मतलब यूनिवर्सल सेट जो था वो लिखा, जो था -3 -2 -1 0 और वही 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, माइनस करना है क्यू से। माइनस का साइन चला यहाँ लगाया, आप लोग को सही लिख रहे होंगे तो एक ही लाइन में वैल्यू आ रही होगी, और क्यू से माइनस करना है तो मतलब 2 3 5 से आपने करना है माइनस। तो 2 3 और 5 आपके हो जाएंगे माइनस। तो अब जब आपके पास वैल्यूज बची हैं आप लोग वो लिख देंगे। वैल्यूज क्या है, -3 है, -2 -1 -2 -1, फिर 0 है, 1 है और 4 है, जस्ट इतना सा है। अब आपको पता है क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया है, तो अब तो बहुत ज़रा आसान हो गया है कि बस आपको पी का इंटरसेक्शन करना है क्यू कॉम्प्लीमेंट से। तो बस आप पहले पी का सेट लिखें जो कि है 2 0 2 4, अच्छा -2 0 2 4 है, सॉरी -2 0 2 4। इंटरसेक्शन करना उसे क्यू कॉम्प्लीमेंट के सेट से, तो मतलब -3 -2 -1, इसी तरह 0 1 4। इस तरह वैसे बनाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, एक ही लाइन में आए तो सही रहता है। आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इनमें इंटरसेक्शन किया तो क्या आंसर आया, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में सेम हो। अब देखिए दोनों में क्या क्या सेम है, आपको ये ध्यान रखना होगा। -2 यहाँ है, -2 यहाँ है, ठीक है। 0 यहाँ है जी बिल्कुल, और 0 यहाँ भी है, चलें ये भी मैंने लिख लिया। अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, नहीं है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ पर है, बिल्कुल जो सेम होता है वो लिखते हैं इंटरसेक्शन में। अब 4 के बाद तो इस सेट में मेंबर्स ही नहीं है, तो अब अगर इस सेट में हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, खैर इस सेट पे भी नहीं है। तो हमारे पास ये आंसर जो है आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब जल्दी से और पार्ट देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और काम भी तो करें, आपके दोनों आंसर सेम है, देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो बहुत अच्छे बच्चों की तरह आपने क्या करना है, पी माइनस क्यू लिखना है और पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखना है। फिर बोलना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब बराबर आया ना आंसर, तो फिर बोलना है हैंस प्रूव्ड। तो मतलब ये आपके पास प्रूव हो गया, सही है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अब सही से मुकम्मल हुआ है। अगर हम स्टेप्स की बात करें और भी वर्डिंग का हम एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, आपकी स्पीड कैसी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्टेप्स तो आपको समझ में आ ही गए हैं, और ना ही आप लोग के पास इतना वक्त होता है कि एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में सीखे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आते हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको नजर आ ही रहा होगा। इसको जरा मैं करने वाली हूँ डायरेक्ट, क्यू माइनस पी करना है मुझे पहला, मतलब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ही है ये हमारी, इसको टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बोल कर जो है ना क्यू माइनस पी कर लीजिएगा। अब क्यू माइनस पी क्या है, ये रहा क्यू और ये पी है, क्यू में से करना है पी माइनस। तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 माइनस हो जाएगा, और क्यू पहले है चौका, तो जो क्यू के मेंबर्स हैं वो लिखेंगे लाइक 3 और 5, तो आपके पास क्यू माइनस फाइव जो है वो क्यू माइनस पी जो है वो 3 और 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड है क्यू इंटरसेक्शन पी डैश, अच्छा पी कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने मालूम नहीं किया है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड, चले मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड करने के लिए अगर मुझे चाहिए पहले पी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले पी कॉम्प्लीमेंट की कहानी भी हम कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो पी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें चाहिए होगा यू माइनस पी, आपको पता है ये तो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अब यूनिवर्सल सेट ये रहा और ये पी, अब यूनिवर्सल सेट में से पी को कर दें माइनस, देखिए -2 कैंसिल, 0 कैंसिल, सही है, -2 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 कैंसिल और 4 कैंसिल। अब इनको छोड़कर यू में जो भी सेट बच्चे लिखते हैं, -3 लिखना पड़ेगा आपको, इसका मतलब -3 तो आपको लिखना होगा, -2 उसके पास है तो नहीं लिखना होगा, -1 आपको लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास 0 है इसके पास तो नहीं लिखना होगा, और क्या था आपके पास, हाँ
वन आपको लिखना होगा, टू यहाँ पर है तो आपको नहीं लिखना होगा, थ्री आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड इसी तरह आपके पास फोर है, फोर नहीं है, हाँ है फोर, है फोर नहीं लिखना होगा, और फाइव आपको लिखना होगा। तो ये आपके पास आ गया पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप है क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, तो बस क्यू भी शो हो जाए तो आपके लिए काफी है। क्यू ये रहा 2 3 5 और ये रहा पी कॉम्प्लीमेंट, आपको करना है क्यू इंटरसेक्शन। मुझे पता है कि मैं शॉर्ट ट्रिक में कर रही हूँ, बस टाइम सेव करने के लिए और कुछ नहीं। क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास क्यू ये रहा 2 3 5 और ये रहा पी कॉम्प्लीमेंट, तो इनमें क्या सेम है? इनमें सेम है 3 और 5, देखिए 3 और 5, बाकी -3 -1 1 इसमें नहीं है, -3 -1 1 नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपको सेम लिखने होते हैं, जो 3 और 5 सेम है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल जो है बराबर आ गई है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया, बाकी स्टेप्स को तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर स्टेप वाइज ही करवाया है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए चल सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका पार्ट टू हो गया, जल्दी से करते हैं पार्ट थ्री। आप लोग लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हैंड्स टू व्हाटएवर, जो भी जैसा यहाँ लिखवा है बिल्कुल वैसे ही। अब स्टूडेंट्स ये है थर्ड पार्ट आपके सामने, जिसमें है पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन नहीं लग रहा होगा ये, आई अंडरस्टैंड दैट, पर ये यू ही है, समझे, ठीक है। ओके अब क्या करना है, पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट चाहिए पहले, तो इसके लिए हम स्टेप्स को दोबारा कर लेते हैं, क्या याद रखेंगे आप लोग। तो पहले तो मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेती हूँ, मेंशन कर लेती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें चूज करनी है। चले भाई कर ली लेफ्ट हैंड साइड को चूज, और थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह भी कर लेते हैं। खैर ये तो मैं वीडियो को स्टॉप करने करनी चाहिए थी। चलो अब क्या है कि अब आप लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करना है, तो पी यूनियन क्यू पहले निकालना पड़ेगा, तो पी यूनियन क्यू निकालना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम है कि आपको पहले पी का सेट लिखना है, जो कि है -2 0 2 4। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन सही में यही बोल रही हूँ, यही सेट है। आप लोग सेट की वैल्यू इसको पहले लिखकर अपने पास रख सकते हैं। अब मुझे इसको यूनियन करना है क्यू के सेट से, जो कि है 2 3 5। तो सिंपल तरीका होता है यूनियन का कि आप जो है अरेंज करके लिख लें, ठीक है। मैं भी यहाँ यही करने वाली हूँ। अब सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं ये देखूंगी। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर -2, ये सबसे छोटा नंबर, तो -2 पहले लिखा, फिर उसके बाद 0 ही आएगा ऑफकोर्स, 0 लिखा, फिर 0 के बाद क्या आना चाहिए, 2 है, फिर 3 है, 2 उसके बाद 3 है सीक्वेंस में, और फिर 4 भी है, सही है, और फिर 5 भी है, ठीक है। तो हमने इसको सीक्वेंस में ही करके लिख लिया, देखें 2 0 2 3 4 5। अच्छा यहाँ तक तो हो गई बात, अब जल्दी से हमें करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने जल्दी से इस पर कॉम्प्लीमेंट बना लिया। कॉम्प्लीमेंट का साइन जो है वो तो आपको पता है, इस तरह का होता है, और इसका तरीका ये होता है कि आपको पी यूनियन क्यू माइनस करना होगा, जिस पर कॉम्प्लीमेंट होता है उसी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। तो चलें भाई हम लिख लेते हैं कि पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा ही है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास आपको पता था कि -3 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो मैं लिख लेती हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है हमें क्या करना है, माइनस, हाँ माइनस करना है हमें इसको पी यूनियन क्यू को, तो -2 0 2 3 4 एंड 5 ये लिखा। अब जैसे माइनस कर लेते हैं, माइनस का 2 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, तो आपके पास एक तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है ना, वो है आपके पास -3, -1 और 1, ठीक है। -3 -1 और 4 भी तो गया है, बिल्कुल 4 गया है, -3 -1 1, और कुछ है नहीं, 2 गया, 3 गया, 4 5 गया, सही है, ऐसा है, ठीक है, बस यही आंसर आया आपके पास, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, अब जल्दी से ये नज़र नहीं आ रहा आपको, अब सही नज़र आ रहा है, सॉरी हाँ, -3 -1 और 1 आपके पास रिमेनिंग है, ये आपने लिख लिया है। अब जल्दी से आप कर लें राइट हैंड साइड को।
अब राइट हैंड साइड में क्या है कि पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश करना है आपको, तो आपने भी पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश मालूम करने के लिए इसे क्वेश्चन मार्क बना लिया। खाम खा मैंने बनाया, खाया मुझे पी डैश से स्टार्ट करना चाहिए था। चले कोई बात नहीं, पी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास वैसे तो मुझे निकालना होगा। स्टेप तो ये है कि पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर यू कॉम्प्लीमेंट निकालें एंड देन उसका इंटरसेक्शन करें। लेकिन मेरे पास जो कि पी कॉम्प्लीमेंट और यू कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं क्यों ना उसे यूज कर लूँ। पी कॉम्प्लीमेंट तो यही आपके सामने जो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ। पी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या मेंबर्स हैं, -3, -1, 1, 3 एंड 5, ये पी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स हैं। अब इसको इंटरसेक्शन किससे करना है, यू क्यू कॉम्प्लीमेंट से करना है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स को जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रे क्यू कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 4, -3, -2, -1, 0, 1। तो हमने देख लिया था -3, -2, -1, 0, 1, 4 जो थे वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स थे। अब बस हमें इसे इंटरसेक्ट करना है, तो इंटरसेक्शन कर लिया जाए। इंटरसेक्ट कैसे होगा कि इन दोनों में जो सेम होगा वो लिखेंगे, -3 दोनों के पास है, ठीक है लिख लेंगे, -2 है नहीं है, -1 दोनों के पास है ठीक है लिख लेंगे, 3 है 1 है, 1 भी है, 1 भी है लिख लेंगे, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है। पहले मेंबर्स के अगर सेम में नहीं तो दूसरे को देखकर क्या करेंगे, वो भी नहीं होंगे। तो खैर जो हमारा आंसर आप देखें, अगर गौर करें ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर आ गई है, तो बस हमें इस आंसर को करना है रिप्रेजेंट। स्टूडेंट्स अब आपको ये करना है कि आप दोनों साइड्स को लिखिएगा, और जो तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि ये दोनों साइड लिखिएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखकर हैंड्स प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगी फोर्थ पार्ट भी हमारे पास है, लेकिन मुझे लगता है कि फोर्थ पार्ट अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपको गाइड कर दूं तो गाइडेंस में ये है, अच्छा ये इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है, सही। तो गाइडेंस में ये है कि आपको करना ये है कि जिस तरह मैंने पी यूनियन क्यू निकाला है, पहले आपको पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना होगा। जिस तरह मैंने यू में से पी यूनियन क्यू को, मतलब यूनिवर्सल सेट में से पी यूनियन क्यू को माइनस करा है, आपको यूनिवर्सल सेट में से पी इंटरसेक्शन क्यू को माइनस करना होगा, फिर आपकी एक साइड मुकम्मल हो जाएगी। एंड देन जहां मैंने पी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया है क्यू कॉम्प्लीमेंट से, यहाँ आपको पी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट से। तो बस ये दोनों फर्क है, बाकी सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपके दोनों साइड्स जो है वो इंशाल्लाह बराबर आएंगी। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करें, और मैं फिर से बताती चलूँ कि इसके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मतलब रिमेनिंग क्या, इसके जो फर्दर चैप्टर्स हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं, लाइक 18, 19, 20, 21 सो ऑन, ठीक है, तो वो आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।